अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सरकार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान मुसलमान भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना है जो 1947 से लेकर आज तक हासिब हिंदुस्तानी फौज की जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं और गुज़श्ता 2 महीनों से हिंदुस्तान ने वहाँ पर जो मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दी है, वहाँ के मुसलमानों से सारे इंसानी हकूक छीन लिए गए हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर की वादी को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दी गई है और आए रोज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन हालात पर अक्वामे आलम की खामोशी बहुत अफसोसनाक है, खास तौर पर अक्वामे मुत्तहिदा और बड़ी ताकतों की खामोशी इस हिंदी को एक खतरनाक की जंग की तरफ धकेल रही है। पाकिस्तान जो रोज अवल से लेकर आज तक कश्मीरी भाइयों की सियासी अहलाकी और सफारती हिमायत कर रहा है, अगर हिंदुस्तान ने मकबूजावादी से कर्फ्यू नहीं हटाए और मसले कश्मीर को अक्वामे मुत्तहिदा के करारदादे के मुताबिक हल करने के लिए तैयार ना हुआ तो ऐसे में पाकिस्तान मजबूरन किसी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी कश्मीरी भाइयों को इस तरह की तकलीफ और दुख में तनहा नहीं छोड़ सकते। पाक फौज जो आए रोज भारतीय फोर्सेस के लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दे रहा है, ऐसे में हम कबाइली आवाम खास तौर पर अहलियानी कुरम पौज पौज की शाना बशाना खड़े हैं और अपने मुल्क की सलामती और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हर किस्म के कुर्बानी देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और हम तलबा ने जिस तरह आज़ादी पाकिस्तान के वक़्त कादी आज़म और दूसरे रहनुमाओं का साथ दिया था, इंशाल्लाह आज़ादी कश्मीर के लिए भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान और पौज पौज का साथ देते रहेंगे।